नमस्कार, मैं हूं केसरी पांडे और एक बार फिर से हमेशा की तरह धे टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आपका आभार है कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है, तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू और लेते हैं पहला प्रश्न। भारत में किसी भी कंपनी को स्टार्टअप की श्रेणी में शामिल किए जाने के लिए कुछ मानक तय किए गए हैं। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ऐसे कंपनी का मुख्यालय भारत में मौजूद होना चाहिए। दूसरा, उसकी वार्षिक आय 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा, इसकी शुरुआत हुए 5 वर्ष से अधिक ना हुआ हो। और चौथा, उस कंपनी के पास कुछ नया आइडिया होना चाहिए। ऑप्शंस हैं ए, केवल 1 और 4, बी, केवल 2, 3 और 4, सी, केवल 1, 3 और 4, अथवा डी, 1, 2, 3 और 4। यानी चारों कथन इस बारे में सत्य हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल पहला और चौथा कथन सत्य है, दूसरा और तीसरा गलत है। कैसे गलत है इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। मौजूदा वक्त में देश में लगभग 60,000 स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। साथ ही भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। यही कारण है कि स्टार्टअप्स और इसके इकोसिस्टम को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। इसी क्रम में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि अब से हर साल 16 जनवरी को देश में स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। स्टार्टअप नई आइडिया वाली एक ऐसी कंपनी होती है जिसने हाल ही में अपना कामकाज शुरू किया हो। नए कारोबारी एक नए आइडिया पर मिलकर काम करते हैं। इस तरह की कंपनी के जरिए ग्राहकों को एक नए तरह का प्रोडक्ट या सर्विस दी जाती है। स्टार्टअप सफल होने के बाद ये एक बड़ी कंपनी के तौर पर अपनी पहचान बना लेते हैं। भारत सरकार ने स्टार्टअप्स की कुछ परिभाषा तय की हुई है, जैसे कि ऐसे कंपनी का मुख्यालय भारत में स्थित होना चाहिए, उसकी वार्षिक आय 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसकी शुरुआत हुए 10 वर्ष से अधिक ना हुआ हो और उस कंपनी के पास कुछ एक नया आइडिया होना चाहिए। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में बैंगनी क्रांति चर्चा में थी, ये किससे संबंधित है? विकल्प हैं ए, तिलहन उत्पादन से, बी, उर्वरक एवं चमड़ा उत्पादन से, सी, मसालों के उत्पादन से, अथवा डी, लैवेंडर उत्पादन से। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, यानी लैवेंडर उत्पादन से संबंधित है बैंगनी क्रांति। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जम्मू में डोडा जिले के गांव के लगभग 500 किसान जो कि पहले मक्के की खेती किया करते थे, बाद में धीरे धीरे वे लैवेंडर की खेती करने लगे। लैवेंडर की खेती की वजह से इन किसानों की आय में चौगुनी वृद्धि हुई है। इसे ही बैंगनी क्रांति का नाम दिया जा रहा है। ये अरोमा मिशन के तहत की गई पहल के कारण संभव हो पाया है। बता दें कि मेंथा, खस, पामारोजा, जिरेनियम जैसी कई सगंध फसलें उन इलाकों में भी हो सकती हैं जहां पानी कम बरसता है, और उन इलाकों में भी जहां कई बार बाढ़ आ जाती है। कम लागत में पैदा होने वाली ऐसी फसलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एरोमा मिशन शुरू किया है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। महादेव गोविंद रनाडे के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? विकल्प हैं ए, वे एक प्रसिद्ध विद्वान, समाज सुधारक, न्यायविद और भारतीय राष्ट्रवादी थे, बी, वे साल 1946 में भारत के अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे, सी, रनाडे दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे, अथवा डी, इन्होंने एंग्लो मराठी समाचार पत्र इंदुप्रकाश का भी संपादन किया था। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी, यानी बी में दिया गया कथन गलत है। कैसे गलत है इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। भारत की महान विभूति महादेव गोविंद रानाडे का जन्म 18 जनवरी 1842 को महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे निफाड़ में हुआ था, यानी बीते 18 जनवरी को इनकी जयंती थी। वे एक प्रसिद्ध विद्वान, समाज सुधारक, न्यायविद और भारतीय राष्ट्रवादी थे। रानाडे को तत्कालीन समाज सुधारक संगठनों जैसे कि प्रार्थना समाज, आर्य समाज और ब्रह्म समाज आदि ने काफ़ी प्रभावित किया। तात्कालिक सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों का कड़ा विरोध करते हुए इन्होंने समाज सुधार के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन्होंने कई सार्वजनिक संगठनों के गठन में अपना योगदान दिया। इनमें अहमदनगर शिक्षा समिति, पूना सार्वजनिक सभा और प्रार्थना समाज जैसे महत्वपूर्ण संगठन शामिल थे। रानाडे दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के संस्थापकों में से भी एक थे।
इन्होंने एंग्लो मराठी समाचार पत्र इंदु प्रकाश का भी संपादन किया। ये अपने जीवन काल में कई प्रतिष्ठित पदों पर आसीन रहे, जिनमें बॉम्बे विधान परिषद का सदस्य, केंद्र सरकार के वित्त समिति के सदस्य और बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसे पद शामिल हैं। 16 जनवरी 1901 को इन्होंने इस संसार को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, यानी बीते 16 जनवरी को इनकी पुण्यतिथि भी थी। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में लक्ष्य सेन चर्चा में थे, ये कौन है? ऑप्शंस है ए तुर्कमेनिस्तान में भारत के नए राजदूत, बी कोलकाता उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश, सी इंडिया ओपन 2022 के पुरुष एकल वर्ग विजेता, अथवा डी भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक मामले की जांच समिति के अध्यक्ष। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, यानी ये इंडिया ओपन 2022 के पुरुष एकल वर्ग विजेता हैं। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भारत के युवा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने विश्व चैंपियन लोह कीन यू को फाइनल में हराकर इंडिया ओपन 2022 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब अपने नाम कर लिया है। लक्ष्य ये खिताब जीतने वाले तीसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं। इनसे पहले साल 1981 में प्रकाश पादुकोण और फिर साल 2015 में किदाम्बी श्रीकांत ने पहला सुपर 500 चैंपियनशिप खिताब जीता था। महिला एकल की श्रेणी में थाईलैंड की दूसरी वरीयता प्राप्त बुसानन ओंग बामुरंग फान ने हमवतन सुपनिदा कटेथोंग को हराकर महिला एकल का खिताब अपने नाम किया, यानी ये उन्हीं के देश की हैं। बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर। खान अब्दुल गफ्फार खान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य है? पहला, इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक सामाजिक संगठन की स्थापना की थी। दूसरा, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत रत्न से सम्मानित खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, बाचा खान और बादशाह खान के नाम से भी पुकारा जाता है। उन्होंने न केवल ब्रिटिश सरकार से भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, बल्कि वे स्वतंत्र पख्तूनिस्तान आंदोलन के प्रणेता भी थे। खान अब्दुल गफ्फार खान ने एक संयुक्त स्वतंत्र और धर्मनिरपेक्ष भारत बनाने के लिए खुदाई खिदमतगार नामक सामाजिक संगठन प्रारंभ किया था। खुदाई खिदमतगार गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन से प्रेरित था। इन्होंने कांग्रेस के समर्थन से भारत के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में ऐतिहासिक लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया था। 20 जनवरी 1988 को इनका निधन हो गया था, यानी आज 20 जनवरी को इनकी पुण्यतिथि है। साल 1987 में भारत सरकार ने इनको देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था। तो ये था आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIIS के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।